स्वागत बाटे रउआ सबके हमार खास प्रोग्राम ओ वुमनिया में। ए प्रोग्राम में हम बताई ले फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ल अभी तक खबर बतावत रहनी हो, लेकिन आज सोच ले बानी कि कुछ नया कोई जाओ, काहे कि हमार हर प्रोग्राम में सुपरस्टार लोग छायल रहेला, बाकी हीरोइन लोग खातिर एगो खास प्रोग्राम होके कि न चाहिए। यही से अब ये प्रोग्राम में हम खाली वुमनिया लोग से जुड़ल माने महिला लोग से जुड़ल माने फीमेल सिंगर कलाकार लोग से जुड़ल खबर बताएं। एकर अलावे वो दर्शक लोग के मैसेज भी बताएं जो हर कोई अपन अपन फेवरेट स्टार खातिर भेजेला। तब वुमनिया के प्रोग्राम में आज कौन हीरोइन रहल बाड़ी से आगे आ का बाटे वो लोग से जुड़ल खबर ये जाने खातिर एगो रिपोर्ट पर घुमाई नजर। आहाँ यही रिपोर्ट में हम रउआ सबके वो मैसेज भी दिखा देहेम जो अपन अपन फेवरेट स्टार खातिर दर्शक लोग भेज ले बा। देखी भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल के साथ सुपरहिट रह चुकी फिल्म दबंग सरकार से इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाली एकांशा अवस्थी को मिल चुकी है दूसरी फिल्म इंडस्ट्री के युवा कलाकार प्रदीप पांडे चिंटू के साथ। विवाह फिल्म की शूटिंग के सेट से दोनों जब लाइव आए तो दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद भी किया गया और दोनों की प्यार भरी बातों ने दर्शकों का दिल भी जीत लिया। लेकिन अपनी पहली ही फिल्म से आकांक्षा अवस्थी बहुत ज्यादा चर्चाओं में बन गई हैं। यही कारण है कि फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइनों को मिलने लगा है अभी से उन्हें कॉम्पिटिशन। वाल जानकारी के लिए बता दें कि आकांक्षा अवस्थी ने अभी अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की है। छोटे पर्दे से उन्हें डायरेक्ट फिल्मों में आने का मौका मिला है, वो भी भोजपुरी फिल्म के जरिए। तो ऐसे में दर्शकों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि आकांक्षा अवस्थी कितनी फीस ले रही हैं भोजपुरी फिल्मों से। तो हम आपको बता देते हैं कि अभी सिर्फ आकांक्षा अवस्थी की शुरुआत है और यही कारण है कि वो अपनी फीस 1.5 से 2 लाख रुपए ही लेती हैं और ये उनकी दूसरी फिल्म है। हो सकता है आगे सफलता और लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ उनकी फीस भी बाकी हीरोइनों की तरह हो जाए। इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली 3 हीरोइनें हैं जिनकी 8 से 10 लाख रुपए फीस मानी जाती है, वो है आम्रपाली दुबे, अक्षरा सिंह और काजल राघवानी। लेकिन आकांक्षा के इस मेहनत और पॉपुलैरिटी को देखते हुए लग रहा है कि बहुत जल्द आकांक्षा भी इन 3 हीरोइनों को बीट कर सकती हैं। भोजपुरी सिनेमा की मृगनयनी आइकन क्वीन अक्षरा सिंह को बहुत लंबे समय से दर्शक देखना चाहते हैं इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टारों के साथ। हाल ही में उन्हें युवा स्टार प्रदीप पांडे चिंटू के साथ पहली बार फिल्म करने का मौका मिला तो उन्होंने मना कर दिया। इस फिल्म में पहले अक्षरा को ही साइन किया गया था, लेकिन किसी कारणवश बाद में अक्षरा की जगह आकांक्षा अवस्थी को ले लिया गया। वहीं आकांक्षा अवस्थी जिन्हें आप खेसारी लाल के साथ फिल्म दबंग सरकार में देख चुके हैं, इसके बाद कई सारे लोगों के मन में ये सवाल भी उठे कि अक्षरा ने क्यों इस फिल्म को करने से मना कर दिया। कई लोगों ने ये सवाल हमसे किया है, इसलिए उनके जवाब के लिए हम ये कहना चाहते हैं
कि अक्षरा सिंह ने इस फिल्म की फीस के कारण मना कर दिया है। दरअसल अक्षरा सिंह अपनी हर फिल्म के 8 लाख रुपए फीस लेती थी, लेकिन फिल्म मेकर्स का बजट सिर्फ 2 लाख रुपए तक का था। अक्षरा ने कम पैसे मिलने की वजह से फिल्म को ना कह दिया और आकांक्षा ने 1.5 लाख रुपए में ही इस फिल्म को करने में हामी भर दी। फिल्म डायरेक्टर प्रदीप सिंह ने यही कारण है कि अक्षरा की जगह आकांक्षा अवस्थी को अपनी इस फिल्म में ले लिया, क्योंकि अक्षरा सिंह अपनी फीस नहीं कम करना चाहती थी और आकांक्षा बहुत कम फीस में ही इस फिल्म को करने के लिए तैयार हो गई। भोजपुरी सिनेमा में एक नया ट्रेंड आजकल चल रहा है। हालांकि गायक से नायक बनने की परंपरा सालों पुरानी है, लेकिन अब नायिकाएं भी बनने लगी हैं गायिका। शुरुआत अक्षरा सिंह ने की और अक्षरा के बाद काजल राघवानी ने भी गायकी के क्षेत्र में कदम रख दिया। आप लोग जानते होंगे त्योहारों के मौके पर काजल राघवानी ने कई गाने गाए हैं। होली में अभी तक काजल राघवानी का सिर्फ एक ही गाना रिलीज हुआ है, लेकिन इस गाने को 50 लाख लोगों ने सुन लिया है और देख लिया है। जी हाँ, दरअसल काजल राघवानी का होली एल्बम पिया घरे नहीं आया जी मेरा जीव छन छन आया जी रिलीज हुआ है एक छोटे चैनल से। उसके बावजूद इस गाने को 50 लाख यानी 5 मिलियन लोगों ने देख लिया। इस गाने को लिखा था निगम बिहारी ने। गाने के हिट होने की खुशी काजल राघवानी में देखी जा रही है। तो वहीं भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर अनंजय रघुराज भी इस बात से काफ़ी खुश हैं कि उन्हें लोगों ने इतना प्यार दिया। अपने शोक और चंचल अदाओं के चलते अपने फैंस के दिलों में बसती हैं अक्षरा सिंह। इसके अलावा गायकी और एक्टिंग के वजह से भी अक्षरा सिंह अपने फैंस के बीच काफ़ी पॉपुलर हैं। गायकी और एक्टिंग के साथ अक्षरा सोशल साइट पर अपने खास अंदाज के लिए जानी जाती हैं। इनके इंस्टाग्राम पर काफ़ी एक्टिव रहने की चर्चाएँ रहती हैं और यही कारण है कि फैंस हमेशा इनसे जुड़े रहते हैं, तरह तरह की जतन करती हैं ताकि लोगों के बीच अपना नाम को बढ़ा सकें। और पिछले 1 सालों में इन्होंने अपने अंदर गजब का बदलाव किया है, जिसका पॉजिटिव रिस्पांस भी अक्षरा को मिल रहा है। अक्षरा सिंह अपने हर स्टेज शो के लिए अलग अलग गेटअप लेती हैं और इस गेटअप में दर्शक उन्हें बहुत पसंद भी करते हैं। यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा स्टेज शो में दर्शकों के पागलपन को देख कर लगाया जाता है। हालांकि बीते कुछ दिनों से अक्षरा सिंह ने अपना वेट काफ़ी पुट ऑन कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद उनके हॉटनेस का कोई जवाब नहीं। हाल ही में वो स्टेज शो करने पहुंची मोतिहारी और इस मोतिहारी के स्टेज शो के लिए उन्होंने एक बहुत ही ग्लैमरस गेटअप लिया था। ब्लू और ग्रीन शेड्स का ग्लिटर ड्रेस पहना, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उनकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जारी की गई हैं। इसके अलावा लोगों ने उन्हें उनके नए नए पोज में काफ़ी पसंद किया गया।
स्टेज शो पर जब वो करने जाती हैं तो स्टेज से नीचे खड़े फैंस उन्हें कई बार प्रपोज करते हैं, कई बार आई लव यू की आवाज़ें ऊपर आती हैं और इन्हीं बातों को सुनकर अक्षरा काफ़ी खुश होती हुई भी देखी जाती हैं। बता दें कि अक्षरा की आवाज़ बहुत अच्छी है और उन्होंने कई सुपरहिट भोजपुरी गाने गाए हैं। भोजपुरी सिनेमा के हर बड़े स्टार के साथ वो काम कर चुकी हैं। सोशल मीडिया पर 5.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अक्षरा ने यूं तो सभी भोजपुरी स्टार्स के साथ काम किया है, लेकिन उनकी जोड़ी सबसे ज़्यादा हिट पवन सिंह के साथ ही मानी जाती थी। दोनों जना के मैसेज करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। अगर रउआ लोग चाहत नहीं कि रउआ लोग के कमेंट चाहे मैसेज दिखाई दे हो हमारे स्क्रीन पर प्रोग्राम में, तो रउआ सब कमेंट बॉक्स के जरिए अपन दिल के बात अपन फेवरेट स्टार खातिर लिख सकत आनी जाए। तो अगला प्रोग्राम में लेकर हाजिर होखेम हम ऐसे ही दोगो लोग के मैसेज और तमाम हीरोइन लोग से जुड़ल खास खबर का साथ। लेकिन तब तक खातिर हमरा के दी ही इजाजत, प्रणाम।